हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे हैं यहाँ से फॉर्म आउट होने का। फॉर्म आउट हो चुके हैं और जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं अभी के हिसाब से हम लोग सिर्फ उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम पहले डीएलएड के बारे में बात करेंगे। अगर आप डीएलएड ओपन से करना चाहते हैं एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी से, तो आप लोग यहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने की डेट है 1 अक्टूबर, जो कि हमारा निकल चुका है, उससे लेकर 31 अक्टूबर तक। और अगर उसके बाद आप अप्लाई करते हैं 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में, तो आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। तो अगर आप 31 अक्टूबर तक अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ 850 रुपये जमा करने हैं, उसके बाद आपको 300 रुपये विलम्ब शुल्क देना होगा। कहाँ से अप्लाई करना है उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूंगी। तो वहाँ से आप लोग जाके डायरेक्ट साइट पे जाके अपना अप्लाई कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम होगा 26 नवंबर 2023 को और आपका रिजल्ट आएगा 11/12/2023 को। अब बाकी जो आगे की डेट्स हैं ये अभी इतना मायने नहीं रखती है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचने से कुछ फ़ायदा नहीं है। तो अभी हम इसको छोड़ते हैं, प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष, अभी हाल फिलहाल रिजल्ट तक की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं बीएड ओडीएल वालों की। तो बीएड ओडीएल में क्या है, इसका भी सेम वही है, 1/10 से 31/10 तक 850 रुपये फीस है, एक्स्ट्रा 300 रुपये शुल्क है, वही इसका सेम है 1/11 से लेकर 10/11 के बीच में। इसकी जो परीक्षा तिथि है वो 26/11/2023 से 11/12/2023 है। और दस्तावेज, ये सब काउंसलिंग वगैरह, मेरिट लिस्ट, ये सारी आगे की डेट्स हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो बस ये छोटी सी वीडियो में एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और अगर आपको देखना है कि इसके लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा रही हूँ, ठीक है, कॉपी कर रही हूँ, वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दूँगी। तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसका क्या क्राइटेरिया है, किन किन कंडीशन में आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा प्लीज़ किसी का कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। और यहाँ पे एक छोटा सा चेंज हुआ है, जो मैंने थंबनेल में भी शो किया हुआ है आपको, कि यहाँ पे जो चेंज हुआ है, इस बार इन्होंने मॉक टेस्ट नहीं दिया है। पिछली बार इन्होंने जो 22-24 वाला सेशन था उसके अंदर इन्होंने मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवाए थे। और मतलब मैं क्या ही बताऊँ क्या मॉक टेस्ट था, वो जिन्होंने दिया है उनको अच्छे से पता होगा क्या मॉक टेस्ट था। तो इस बार इन्होंने मॉक टेस्ट का नहीं रखा है। और बाकी किसी का डाउट है तो वो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं कॉमेंट करके, जो मैंने वीडियो में ना बताया हो। क्राइटेरिया के लिए प्लीज़ वीडियो देख लेना। थैंक यू।